योर नेम? माय नेम इज खुशबू चौरसिया। तो खुशबू चौरसिया, बताइए कि आप जो है एनसीईआरटी बेस पे जो है जो सिलेबस निर्धारित किया गया है यूपी बोर्ड का, तो उसमें इंग्लिश का जो पेपर है उसका सप्लीमेंट्री का अंतिम लेसन का क्या नाम है? भोली। तो भोली जो है उसके पिता क्या नाम है? रामलाल। की कितनी बेटियाँ थी? चार। कौन कौन सी? राधा, मंगला, चंपा, सुलेखा। ओके, तो क्या जो अब सबसे बड़ी बेटी राधा थी उसकी शादी हो गई थी? हाँ। और सुलेखा उसकी, मंगला की? मुस्कान आप बताइए, जैसा कि आप जानती हो कि जो भोली थी वो सबसे छोटी थी, तो भोली जो है क्या भोली जो है बोलती थी शुरुआती दौर में? नहीं। कैसी थी वो? गूंगी। और जब अध्यापिका ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है तो उसने क्या जवाब दिया? वो 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 भोली। तो उसने अपना नाम हकलाते हुए दिया, राइट? तो उसको पढ़ने के लिए जो है कैसे प्रेरणा मिली कि हाँ भोली को जो है स्कूल भेजना चाहिए? तहसीलदार से। और इसका सपोर्ट कौन किया कि हाँ वह स्कूल में जाए? उसकी मम्मी ने। उसकी मम्मी ने, राइट। तो ज्योति आप बताइए कि जो भोली लेसन है उसमें जो है भोली ने जो है आपने देखा कि वो शादी करने से इनकार हो गई, तो किससे शादी करने से इनकार हो गई? जब वो मतलब जयमाते गया था वो माला डालने, तो उसका भोली का गोबर उठाया तो उसके मुंह में चेचक था, दाना था, इसलिए उसको पहले नहीं दिखाया गया था, इसलिए वह शादी से इनकार हो गया था। अच्छा, तो खुशी आप बताइए जो रामलाल की बड़ी बेटी थी उसका क्या नाम था? राधा। तो राधा की शादी हो गई थी? यस सर। किसकी शादी तय हुई थी? मंगला की। मंगला की। और किसकी शादी जो है जो तय हुई थी मंगला की, तो भोली जो है, चूंकि इसे आप जानती हो कि जो है कैसे हकला की बोलती थी ना, तो आपको बताना है कि भोली का जो शरीर था वो कुरूप था? भोली का शरीर कुरूप नहीं था? हाँ। कैसे पता लगा? चेचक था। अच्छा, ओके। तो रागिनी यादव आप बताओ, भोली ने जो है विश्वम्भर से शादी करने से इनकार हो गई ना अंतिम टाइम में, कि विश्वम्भर से उसने शादी करने से जो है क्या कहा कि मैं नहीं करूंगी, आखिर में वह इनकार क्यों हुई? कौन, विश्वम्भर? यस सर। तो क्या हुआ जो है, मतलब शादी जो है इनकार जब उसने कर दिया, लेकिन जो है जब उसने दहेज मांगा 5,000 की, हमको दहेज चाहिए, तो उसके पिता ने क्या किया? उसके पिता ने दे रहे थे। कितना दे रहे थे? 2,000। और फिर वो इनकार क्यों हुई जो है भोली उससे शादी करने के लिए? क्योंकि वो लालची था। ओके, तो प्रतिभा आप बताइए, जो भोली लेसन है हमारा सप्लीमेंट्री का, तो उसमें जो भोली है उसका वास्तविक नाम क्या है? सुलेखा। तो सुलेखा के हस्बैंड का जो होने वाला हस्बैंड था, मैंने उसका पति था, उसका क्या नाम था? विश्वम्भर। तो विश्वम्भर के बारे में आप क्या क्या जानती हो? सर वो बूढ़ा था, फिर उसके दो बड़े बेटे थे और वे लंगड़ा भी थे और उनके पति मतलब पत्नी भी थी। हाँ, तो विश्वम्भर जो है भोली से शादी करने के लिए उसके गांव आया ना? यस सर। तो कैसे आया? ब्रास बैंड के साथ आया जो है? यस सर। तो उसकी माँ जो है भोली के भाग पे क्यों इतरा रही थी? क्योंकि धनी था। ओके, प्रियांशा बताइए कि जो भोली थी तो उसको भी विद्यालय में भेजा गया, राइट? तो विद्यालय में जो है जब भोली पढ़ने गई, तो भोली के प्रति जो है अध्यापिका का कैसा व्यवहार रहा? उसका प्यार था और सम्मान था, उसका कहना था कि वो मतलब पढ़े और अच्छे से बोले। तो इसका मतलब जो है अध्यापिका जो थी वो बहुत ही जो है भोली का ध्यान दी, जिससे भोली जो है अपनी तैयारी को अच्छा कर सकी, राइट सर। ओके, तो वंदना आप बताइए जो भोली है उसके पिता का क्या नाम था? उसके पिता का नाम था रामलाल। और उसके पति का क्या नाम था? उसके पति का नाम विश्वम्भर था। तो विश्वम्भर कैसा व्यक्ति था? विश्वम्भर एक धनी व्यक्ति था और बूढ़ा था और लंगड़ा था, और उसके शादी भी हो चुकी थी। हाँ, ओके।